नाद योग, लय योग, नृत्य योग। नाद योग क्या है? साउंड। और लय योग? वेव। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट द वेव एंड साउंड, दीज आर द टू सोल पिलर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द यूनिवर्स, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एंटायर नेचर। और नृत्य तो हर जगह हो रहा है, जैसे मानव के शरीर में हृदय संचालन, सृष्टि में पशु पक्षी पेड़ और जल प्रवाह इत्यादि। नाद योग की साधना के लिए परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। योग आसन शरीर को स्वस्थ रखता है। नृत्य क्रिया योग है जो कि लय योग और नाद योग के बिना संभव नहीं। अगर हम मन, मस्तिष्क, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब का योग कर लेते हैं, तब शांति, सच्चिदानंद, परमानंद को पा लेते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद अशांति, संतोष, व्यग्रता, उच्छृंखलता, ये धीरे धीरे हमारे स्वभाव से कम होने लगती है। जब हम अच्छे से योग को जीवन में अपना लेते हैं, तो ये सारे नकारात्मक तत्व जिनसे भटकाव हो सकते हैं, वो कम हो जाते हैं। तभी हम स्वयं के साथ साक्षात्कार करने लायक हो जाते हैं। हम कौन हैं? हम क्या हैं? हम क्या करने इस पृथ्वी पर आए हैं? हम क्या कर रहे हैं जिससे हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो पाएगा? ये बहुत सुंदर और जटिल व सहज प्रश्न है, जिनका उत्तर जितना जटिल है उतना ही सहज। भक्ति के रास्ते से चले तो इसका उत्तर बहुत सहज और सरल होगा। सिर्फ प्रश्न ही करते रहे तो इसका उत्तर आपको नकारात्मक दिशा में ले जाएगा। ऑलवेज बी इन अ कंफ्यूजन स्टेट। योग नित्य करना चाहिए। जो अस्वस्थ हैं वो प्राणायाम करें, अपने प्राण वायु को संतुलित व संचालित रखें, सोहम का ध्यान करें। इसे वेदांत में अजपा जाप भी कहा गया है। अयमात्मा ब्रह्म, परमानंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि, इसका ध्यान करें। ओंकार का ध्यान करें। ओं इस ब्रह्मांड का प्रथम व पूर्ण शब्द है। मूलाधार से उद्घटित होता हुआ अष्ट चक्र की पूरी जर्नी करते हुए सहस्रार तक समाधि की अवस्था में ले जाता है। इसलिए हमें अपने दिनचर्या में नित्य योग साधना करनी चाहिए।